अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल एकदम सिंपल से, बिना आटा गूंदे, बिना रोटी बेले। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। रोल की पट्टी बनाने के लिए मैंने 1/4 किलो मैदे को छान कर ले ली हूँ। इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक और डालूंगी 1/2 गिलास पानी और अभी इसको मिक्स करूंगी। अभी मैं इसमें और पानी डालूंगी 1/2 गिलास और इसको फिर से मिक्स करूंगी। हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठली ना रहे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है, एकदम हमारा आटा स्मूथ हो गया है। अभी हम आटे में और 1/2 गिलास पानी डालेंगे और चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। ये हमें इडली डोसे का बैटर रहता है ना, सेम ऐसा ही बनाना है। देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम पट्टी बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए गैस पे मैंने फ्राई पैन रख दी हूँ, अभी उसमें डालूंगी 1 चम्मच आटा और इसे हल्के हाथों से फैलाऊंगी। जैसे हम डोसे को फैलाते हैं उस तरीके से हमें फैलाना है। हमें ऐसा ही पतला रखना है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए ये साइड से छूटने लगा है, अब हम इसे और 1-2 मिनट तक के पकाएंगे। देखिए तवे में से छूट चुका है, यानी कि पक चुका है। अभी मैं इसको दोनों हाथों से निकालूंगी क्योंकि ये बहुत नरम सॉफ्ट होते हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालूंगी और तेल को फैला लूंगी ताकि मैं दूसरा पट्टी डालूंगी तो ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे को। देखिए रोल की पट्टी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम अंदर भरने के लिए मसाला बनाएंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। अब इसमें डालूंगी 1 वाटी बारीक कटी हुई बीन्स। अभी इसमें डालूंगी 1 वाटी गाजर बारीक कटे हुए। अभी हम इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसमें का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए 2 मिनट भूनने के बाद में मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिरी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ को हम और 1-2 मिनट भूनेंगे। एक दो मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची और 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सारी चीज को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इन सारी चीज को मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी नमक स्वाद के हिसाब से और इसमें डालूंगी 50 ग्राम चिकन ली हूँ मैंने, इसको उबाल कर इसके रेशे निकाल कर ले ली हूँ। चिकन को भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सारी चीज़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1-2 मिनट तक ही हम पकाएंगे। देखिए 2-3 मिनट भूनने के बाद में कांदा हमारा और शिमला मिर्ची नरम हो चुके हैं। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी और मसाले को ठंडा होने दूंगी। वाटी में देखिए मैंने 2-3 चम्मच मैदे का आटा ली हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हमें रोल को चिपकाने के लिए लगेगा और थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है।
देखिए रोल के लिए मैंने एक पट्टी ले ली हूँ। अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मसाले को हम ऐसे फैलाएंगे, फिर एक रोल ऐसे करेंगे, फिर हमें ये साइड से इस तरीके से बंद करना है, फिर दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही बंद करना है। अब इसके ऊपर हम आटा लगाएंगे, चारों तरफ हम आटा लगा लेंगे। देखिए आटा लगाकर हमें फिर इसे फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अभी इसको मैं प्लेट पे रख दूंगी, दूसरा भी ऐसे ही फोल्ड करूंगी। देखिए सभी रोल में मसाला भरकर हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दी थी, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रोल डाल देंगे। और हमें इसे हल्के हाथों से ही पलटना है ताकि ये खुलना नहीं चाहिए, और चारों तरफ से लाल होने तक के हम इसे पकाएंगे। देखिए चारों तरफ से लाल हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे। इसी तरह हम सारे रोल को तलेंगे। इंशाल्लाह चिकन स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिकन स्प्रिंग रोल कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।